ऐसी बारिश हो रही है कि छाता ले जाना पड़ रहा है एक घर से दूसरे घर में ले जाने के लिए। नहीं लगेगी कि नहीं, हम एक बार ट्राई करेंगे, लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। पैसे हमारे दक्षिण बस भाई, तूने तो बेइज्जती करवा दी। मुझे बड़ी खाने की आ रही है तो इधर मम्मी भी बड़ी बना रहे हैं बड़ी टप। इस पेड़ से ना हमारे गांव की सुंदरता में ना चार चांद लग जाती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। और गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज गाइज बहुत अच्छा मौसम है, बाहर अच्छी धूप लगी हुई है, तो मैं आज सबसे पहले आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अभी करनी है मुझे टाइल्स साफ क्योंकि बहुत मिट्टी आई हुई है अंदर। जो ये पेड़ है ना, ये है हजारों साल पुराना पेड़। और इस जो एक ही पेड़ है, देवदार का पेड़ है। और इसमें ना बहुत, इस एक पेड़ से ही ऊपर के लिए दो तीन पेड़ और लगे हुए हैं, दो तीन ही पांच पेड़ लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे बना हुआ है काली माता का मंदिर भी, देखो इतना बड़ा पेड़ है, ये देखो नीचे कितना मोटा है। और ऊपर के लिए इसमें पाँच पेड़ लगे हुए हैं। ये है काली माता का मंदिर, देखो गाइस ये दिख रहा है ना ये पेड़। इस पेड़ से ना हमारे गांव की सुंदरता में ना चार चांद लग जाते हैं। देखो आप ही, यही पेड़ है यहाँ पे सबसे बड़ा पेड़, देवदार का पेड़ है ये। और देखो इधर को कहीं भी ऐसे पेड़ नहीं है ना, पूरे गांव में ऐसे नहीं है, सिर्फ यही पेड़ है गाइस एक। और इससे मतलब कि बहुत सुंदर दिखता है, इसे जो व्यू भी देखना पड़े ना, बहुत सुंदर लगता है इस पेड़ से गाइस। इसको भी ठंड लगी है गाइस, देखो ये भी धूप सेक रहा है, धूप सेक रहा है उसका। रात को पता नहीं कहाँ था, ये तो सुबह के टाइम आया, कल गायब था गाइस ये, कल शाम को। आज गाइस हमारे पुराने घर में पानी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से ले जा रहे हैं पीने के लिए। हमारे भटूरे बन रहे हैं और भटूरे बनाने वाले बैठे हैं। आज मुझे छुटकारा मिल गया, अब मैं ये काम नहीं करूँगी। चाय के लिए रोटी, अभी ना सोई हुई थी और इसको पता चल गया कि मैं आ गई हूँ, तो ये खड़ी उठ चुकी है। और इसके पास घास नहीं है, तो मैं घास डालूँगी इसको। सुबह हम वैसे सूखा ही घास डालते हैं, इसको हरा घास हम इसको दो टाइम डालते हैं, एक शाम को और एक रात को। खुल जा भाई, कहाँ से है देखो बारिश हो रही है, परे चाची कैसे भीग रहे हैं, बारिश में खेत गए हुए थे और बड़ी भयंकर बारिश हो रही है। और आजकल का मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब है, शाम के टाइम डेली के इसकी यही रूटीन है कि बारिश ही हो रही है। आ जाओ गाइस, बिल्ली ने अंदर जाना है और मैं इसको अंदर नहीं ले जाऊंगी। देखो कितना ड्रामे कर रहा है आजकल मौसम, मतलब कि बारिश ही लगी हुई है देखो। और ऊपर पर मतलब उधर को ना मौसम वैसे साफ है, ये ब्लैक बादल है ना, तो यहाँ पे बारिश हो रही है, थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस कैसे खेल रहे हैं ये दोनों, अभी भी गाइस बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने अभी छाता निकाला हुआ है, तो मैं अभी छाता लेके जाऊंगी परे। ठीक है खुल गया भाई, ये भी नहीं खुल रहा गाइस, आ जा मैं इसको भी ले जाऊंगी गाइस, इसको नहीं ले जाऊंगी गाइस, मैं ही जाऊंगी गाइस। देखो गाइस कैसी बारिश हो रही है कि छाता ले जाना पड़ रहा है एक घर से दूसरे घर में ले जाने के लिए। क्या बोलना गाइस, यहाँ देखो आज हमारे बाड़ी बन रही है, आप सबके पता नहीं क्या बोलते होगे इसको, ये होता है आटा, ये कच्चा आटा होता है, इसको पकाते हैं इसको पानी में
देखो कैसे पका रही है इसे ना, गरम गरम बाड़ी में ना हाथ से देना पड़ता है, बाजू को कैसे गूंदना पड़ता है, ताकतवर होती है और बहुत ताकतवर होती है। इसको घी के साथ खाते है वो अलग बात है, मुंह में फंस जाती है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत ताकतवर होती है खाने के लिए। तो हमारी दादी बीमार है, डिलीवरी होती तो डिलीवरी में एक टाइम तो यही बनता है। हाँ ये तो है। और जैसे दादी बीमार, उन्होंने बोला है कि मुझे बड़ी खाने की आ रही है तो इधर मम्मी बड़ी बना रहे हैं। बड़ी टफ होती है ये, मतलब कि जैसे ना गरम गरम होती है तो हाथ से दो जी इसमें, तब तो भाई हम तो नहीं बना सकते। देखो नीचे से चूल्हा जल रहा है, ऊपर से देखो हाथ से देना पड़ता है। भगवान पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है खाने के लिए, क्या कुछ करना पड़ता है। लग गया, स्टार्ट हो चुका है, देखो कैसे करना पड़ता है हाथ से। मम्मी जाने कैसे कर रहा है कितना डम लग रहे, डम नहीं लग रही है। अरे मम्मी सा सच बोलो, क्यों लग रहे डम? नहीं लग रहे, पक्के है गाइस, पक्के हाथ हो चुके हैं। ये देखो कैसे घी पड़ेगा इसमें बीच में, बस इतनी चाहिए मुझे। ये भी मुझे बहुत लग रहा है, किसको है? दादी को, ये तुझे है। हाँ ये मुझे फंस रही है आपके गले में, फंस रही इधर दांतों में। ए हे हे, झूठ, सच्ची झूठ तो फंस रही तो है बे, है? हम ना खेत आ चुके हैं, क्योंकि हमारे ना घास खत्म हो चुका है, सुबह का भी नहीं निकाला, तो अभी बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो अब ठीक है, थोड़ी बारिश रुकी हुई है, तो अभी घास वैसे गीला है, तो हम जल्दी जल्दी आ गए, क्योंकि अभी मौसम दोबारा से ऐसा ही बना हुआ है। देखो तो हम सोच रहे हैं कि मैं और मम्मी एक एक गिल्टा जल्दी जल्दी निकालते हैं और उस पर निकलते हैं घर। और मैंने गाइस मैंने ना गिल्टा फुल कर दिया देखो, और मम्मी परे कर रहे हैं। और देखो नीचे दादी क्या निकाल रही है, मेथी निकाल रहे हैं, ये गांव से है दादी। और गाइस ऊपर देखो हमारे गांव में बस मोगरा बस भी पहुंच चुकी है। जो ये वाले, ये है टमाटर की बुटिया, और देखो इनका क्या हाल हुआ, ये कल की निकाली हुई है और आज के लिए ऐसी बनी हुई है। देखो पता नहीं लगेगी कि नहीं, हम एक बार ट्राई करेंगे, लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। बिना मैं इस लेंटर को साफ करूंगी, देखो इधर से इधर से इधर से, आधा तो मैंने कर दिया है, अभी आधा रहा है, ये मिट्टी साइड करूंगी इससे। देखो गाइस कहाँ से काम चलाना पड़ रहा है, देखो 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 गाइस हमारे दक्ष। बस भाई तूने तो बेइज्जती करवा दी। ये था मेरा आज का डे, और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय गाइस।